हरे कृष्ण। एक बार एक गुरु और एक शिष्य थे। गुरु शिष्य को बचपन से ट्रेन करना चाहते थे, दोनों एस्पेक्ट पे, मटेरियल एस्पेक्ट पे भी और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे भी। तो गुरु ने इस शिष्य को ट्रेनिंग शुरू की, स्किल ट्रेनिंग। और थोड़े ही वर्षों में ये शिष्य स्किल में पारंगत हो गया, टेक्निकल स्किल में। और इस स्किल के चलते इसको एक फैक्ट्री में जॉब भी मिल गई। अब अपने जॉब में बहुत खूबसूरती से कार्य करने लगा। क्यों? क्योंकि उसको गुरु का एक मंत्र याद था, टॉक लेस डू मोर। और अपने कार्य को इतना फैलाओ, हर चीज का ज्ञान आपको होना चाहिए, ऐसा गुरु ने उसके कहा। ये शिष्य बड़ी ईमानदारी से अपना कार्य करता, सब ऑब्जर्व करता, बात कम करता, कार्य ज्यादा करता। और थोड़े ही समय में ये फैक्ट्री की बहुत सारी प्रोसेसेस को जान गया। लेकिन एक दिन बड़ा मायूस सा चेहरा लेके अपने गुरु के पास वापस आता है। गुरु अपने शिष्य की इस चेहरे की मायूसियत को पहचान लेता है। गुरु पूछ लेता है, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? शिष्य भी अपने हृदय की व्यथा गुरु के समक्ष प्रकट कर देता है। शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे बाद में लोगों ने ज्वाइन किया, मेरे जूनियर्स, मेरे इक्वल्स, उनका प्रमोशन हो गया और मैं वहीं रह गया, मैं वहीं रह गया, सब प्रमोट हुए जा रहे हैं, इस बात का मुझे दुख है। गुरु ने थोड़ी देर सोचा और गुरुदेव ने कहा कि अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें फैक्ट्री की प्रोसेसेस आ गई? इसने बोला हां। बोला क्या तुम हर स्किल जान गए? बोला हां गुरुदेव। गुरु ने विचार करके उसको एक आइडिया दिया। गुरु ने कहा, अगर जो तुम कह रहे हो वो सत्य है, दैट यू आर स्किल्ड इनाफ, तो एक काम करो, दो दिन की छुट्टी ले लो। शिष्य ने सोचा छुट्टी, और थोड़ी देर में दिमाग की बत्ती जली। बोला जी गुरुदेव। और वहीं हफड़ा दफड़ी में और कुछ आगे सुने बिना भाग के गया, कोई बहाना ढूंढ के दो दिन की छुट्टी ले ली। दो दिन की छुट्टी के बाद जब वापस ऑफिस ज्वाइन करता है तो मैनेजर उसको तलब करता है, बुला लेता है। और मैनेजर उसको बुला के कहता है कि सुनो, पिछले दो दिन फैक्ट्री के लिए अच्छे नहीं रहे, कितने सारे इश्यूज ऐसे आए जो पहले तुम आराम से सॉल्व कर दिया करते थे, लेकिन वो कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तुम इंपॉर्टेंट हो, तो आज से ही तुम्हारा प्रमोशन किया जा रहा है। और उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। ही वॉज सो हैप्पी। टू डे छुट्टी फॉर्मूला वर्क्ड एंड ही इंश्योर्ड दैट दिस बिकम अ ग्रेट फॉर्मूला टू बी यूज्ड इन फ्यूचर एज वेल। एंड दैट वॉज हिज मिस्टेक। आने वाले समय में जब जब उसको लगता कि उसकी वैल्यू नहीं हो रही, उसको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, ये दो दिन की छुट्टी ले लेता। और हां, कुछ कुछ मिल भी जाता। फिर एक दिन ऐसा ही करते करते ऑफिस पहुंचा ही था कि ऑफिस के बाहर गार्ड ने उसको अंदर जाने से रोक दिया और बोल दिया, आज से आप अब अंदर नहीं जा सकते। और मैनेजर ने एक लेटर दूसरे गार्ड के हाथ पहुंचा दिया, दैट योर सर्विस इज टर्मिनेटेड। अब ये व्यक्ति वो टर्मिनेशन लेटर हाथ में लेके वापस अपने गुरु के पास पहुंचता है। गुरु से पूछता है, गुरुदेव, आई एम डेवस्टेटेड, आई एम डिस्टर्ब्ड, आई एम डिसअपॉइंटेड।
भला मेरी नौकरी कैसे जा सकती है गुरुदेव, मैंने तो आपकी सारी बात मानी है, आपका शिष्य हूं, फिर भी मेरी नौकरी चली गई। गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तो सच है कि तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन सच यह भी है कि तुमने मेरी सारी बात नहीं मानी। उस दिन जब मैं तुम्हें कुछ कह रहा था तो तुम आधी बात सुन के चले गए थे। तुमने आधी बात सुन के यह अंदाजा लगा लिया कि हां, बल्ब की इंपॉर्टेंस तभी पता लगती है जब वो बुझ जाता है। जब बल्ब बुझता है, लोग उसके अंधेरे को महसूस करते हैं तो बोलते हैं, ओहो, बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। तुमने अपनी इंपॉर्टेंस तो उस बल्ब की तरह पाली थी, लेकिन तुम उसकी बाद की बात बिना सुने चले गए, और वो बाद की बात पहली बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब कोई बल्ब बुझता है उसकी इंपॉर्टेंस 100% समझ में आती है, लेकिन अगर वो बल्ब बार बार बुझने लगे तो रिप्लेस कर दिया जाता है। किससे? उससे ज्यादा रिलायबल, उससे ज्यादा डिपेंडेबल बल्ब से। तुम ये दूसरी बात बिना सुने चले गए थे, इसलिए जीवन में ध्यान रखो, टॉक लेस डू मोर, अपने स्किल पे कार्य करो, लेकिन दिस इज नॉट इनाफ, दिस इज ओनली द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू सक्सेस इज बी डिपेंडेबल ऑल्सो, डोंट बी एरोगेंट। सो बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। हरे कृष्ण।